चारी हाइट है पूरी, बैठने में भी आप चौधरी पर बैठ बैठ होता आ जाओ जाओ भाई आ जाओ, आप भी उधर आ जाओ, सेट आ जाओ। जल्दी पता लगेगा क्या है, ये हमारा बेस मॉडल है, इसको स्पीड एक्स बोलते हैं। चले जाएगा ना, है लग रहा है ना किसी टॉयलेट की बैठ के हो उधर से पहले रेड आएगी जब बैटरी लो होगी और ग्रीन हो जाए। दोबारा जो शोरूम इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी का जो शोरूम खोला गया है, बहुत ही खुशी की बात है, बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि इस एरिया में अभी तक कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर या गाड़ी का कोई साधन नहीं था। जो न्यू पालम विहार सेक्टर 110 40 फुटा रोड A142 में आज इसका उद्घाटन हुआ, मैं बहुत ही विनय जी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि जो इन्होंने अपनी लगन से और मेहनत से कि एक इस एरिया में इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी का शोरूम खोला है, जिससे कि हमारे इस एरिया में आने वाला महिंद्रा सोसाइटी है, पूरी डेवलपमेंट है, और आपका बजघेड़ा गांव है, दौलताबाद है, सेक्टर 109 है, लुमनी ब्रिक्स है, ATS है, शोभा सिटी है, जो इस एरिया में अभी तक कोई ऐसा शोरूम नहीं था इलेक्ट्रॉनिक का। और इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है प्रदूषण के लिए इतना अच्छा ये है कि इससे कोई प्रदूषण ही नहीं होता। दूसरा, ना तो आपको रजिस्ट्रेशन की इसकी ज़रूरत और ना लाइसेंस की ज़रूरत है। तीसरा, जो बच्चे ले जाते हैं तो इसकी स्पीड फास्ट नहीं है, लिमिट है कि वो फास्ट नहीं चलाएंगे। चौथा, आपका अगर मान लो कहीं जाते हैं तो पेपर वगैरह का, पुलिस का वेरिफिकेशन का है, कुछ है, रोक लेते हैं कि भाई आपका लाइसेंस नहीं है, ये चीज़ नहीं है, तो उससे भी मतलब बच्चों को झंझट फ्री है। मैं ये कहता हूँ ऐसा मतलब न्यू पालम विहार में एक ऐसा ये चीज़ आई है कि सबसे मतलब पहले विनय भाई ने ऐसा एक ये A142 पे 40 फुटा पे जो एक शोरूम खोला है स्कूटी का, बहुत ही मतलब शुभकामनाओं के साथ इनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जो
जिन्होंने इनको मतलब ये सब डीलर का या डीलरशिप का दिलाया है, मैं उनका भी तहे दिल से तारीफ करता हूँ कि उन्होंने हमारे न्यूपालम विहार को ऐसा एरिया चुना कि भाई यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक रहती है, तो ताकि यहाँ इस चीज़ का ज़्यादा वो होगा। धन्यवाद जी। सर आज इलेक्ट्रिक स्कूटी का शोरूम ओपनिंग हुआ है, क्या कहना चाहेंगे पर्यावरण के लिए? पहले तो मैं विनय जी को बधाई दूंगा, आज इन्होंने एक नया अपना एक व्यवसाय शुरू किया है, और जो व्यवसाय इन्होंने जो शुरू किया है ये भविष्य को देखते हुए लोगों को भी फ़ायदा है और इनको भी फ़ायदा है। आज पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और ये इलेक्ट्रिकल का जो इन्होंने आज ये खोला है, स्कूटी जो आई है इलेक्ट्रिकल की, तो कहीं ना कहीं लोगों को पोल्यूशन से भी राहत मिलेगी और जहाँ पे पेट्रोल से भी राहत मिलेगी, और आने वाला समय अब इलेक्ट्रिकल वाहन का है, और सरकार ने भी लोगों से गुजारिश की है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिकल वाहन खरीदे, और आज स्कूटी के साथ साथ बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी जल्दी ही सरकार इलेक्ट्रिकल में लेके आ रही है। सर आपको अभी फीचर भी बताए हैं, उसके 6 मॉडल ओपन में है, तो आपको क्या लगता है कि मॉडल परफेक्ट है या कहीं कमी है? आज वैसे तो हम इस शोरूम का उद्घाटन करने के लिए आए हैं, पर अभी मेरा भी मन बन गया है कि एक स्कूटी आज मैं भी बुक करके जाऊंगा, तो ये हमें अच्छा लगा, तो इसीलिए एक स्कूटी आज हम भी बुक करके जाएंगे। क्या संदेश आप गुरुग्राम जनता को जाएंगे? मैं लोगों से कहना चाहूँगा कि अब से आगे जो भी स्कूटर खरीदे तो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिकल वाहन खरीदे, क्योंकि क्या एक तो इसकी मेंटेनेंस बहुत कम है, और इसका पेट्रोल से भी राहत मिलेगी, इसका खर्चा भी कम पड़ेगा, इसकी मेंटेनेंस भी कम है, और कहीं ना कहीं इसकी लो स्पीड है, तो कहीं ना कहीं हमें दुर्घटना से भी राहत मिलेगी। तो लोगों से मेरा आग्रह है कि ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिकल वाहन की तरफ हमें मुँह करना चाहिए। क्या कहना चाहिए? मैं सबसे पहले तो विनय जी को बधाई देता हूँ आज इस नए व्यवसाय के लिए, और अपनी तरफ से गुरुग्राम की जनता से यही अपील करता हूँ कि आप सभी लोग भी इलेक्ट्रिक वाहन की तरफ बढ़ें, क्योंकि हम देखते हैं पोल्यूशन हमारा किस प्रकार दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, जिसको लेके सरकार मुहिम भी हमारे यहाँ चला रही है कि भाई इलेक्ट्रिक वाहन को हम ज़्यादा यूज़ करें, और अपने अंदर गुड़गांव के अंदर एयर प्योरीफायर भी लगा रही है सरकार, तो उसको लेके जनता को भी सोचना चाहिए इसके लेके, क्योंकि लोग बाग जागरूक होंगे तभी सरकार सफल हो पाएगी। तो मैं गुड़गांव की जनता से यही अपील करता हूँ कि हम भी इलेक्ट्रिक व्हीकल, चाहे कार हो चाहे स्कूटी हो, ये लेके हम पोल्यूटेड फ्री अपने गुड़गांव को बना सकते हैं। धन्यवाद। मुझे बहुत खुशी मिली शोरूम में पहुंचकर कि एक ऐसा मॉडल आपने तैयार किया है जिससे हमारा जो है पोल्यूशन भी सुधरेगा, और जो है पोल्यूशन सुधरेगा तो वातावरण शुद्ध होगा, तो ये मानव के लिए बहुत ही उत्तम बात है कि आजकल पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, जो हमारी सांस लेने में भी आज शुद्ध हवा हमें नहीं मिल रही है, तो उसमें जो हवा को शुद्ध करने में प्रयास किया जा रहा है उसका भी ये एक मुझे हिस्सा लग गया, तो मुझे इस बात से बहुत खुशी हुई। जिस तरह से आजकल पेट्रोल के रेट बढ़े जा रहे हैं, तो हाँ, उससे आने वाले लोगों को क्या संदेश दोगे आप? आने वाले लोगों के लिए मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि ऐसे ही प्रोडक्ट तैयार करने चाहिए जिससे कि हमारा मानव जाति का उद्धार हो, फायदा हो, जीवन में उनके कोई दिक्कत ना आए प्राकृतिक चीज़ों को प्राप्त करने में। तो ज़रूर चाहूँगी ये कहना, क्योंकि जब मानवता के फायदे की चीज़ है तो बच्चों को भी तो ज़रूर कहूँगी और कहना चाहिए, मुझे ज़रूर कहूँगी बच्चों को ये बात कि भाई बच्चों की फ़ायदे की चीज़ है, तो बच्चों को तो माँ का फर्ज बनता है कि उनके फायदे की चीज़ों को लेने के लिए या उनको बढ़ावा देने के लिए मैं ज़रूर बोलूँगी इस बात को। आप बताइए खुलके जरा, क्या कहना चाहोगे आप? देखिए, इलेक्ट्रिक का फ्यूचर है हमारा देश बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारे पास हमारे नेचुरल रिजर्व्स नहीं है, हमें बहुत ज़्यादा तेल इम्पोर्ट करना पड़ता है, हमारी देश की GDP पे बहुत ज़्यादा बोझ है इस चीज़ का, तो हम सब लोगों को दोनों चीज़ों के लिए, एक तो हमारा एक इम्पोर्ट का सब्स्टिट्यूट तैयार हो रहा है, इलेक्ट्रिक हम अपने यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं, तो हमें आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक को प्रमोट करना चाहिए, 2-व्हीलर हो 4-व्हीलर हो, सबको इलेक्ट्रिक पे, क्योंकि ये फ्यूचर है तो सबको मूव होना पड़ेगा। और जो प्रोडक्ट आपने लॉन्च किया है इसके अंदर जैसे कि RTO रजिस्ट्रेशन की भी ज़रूरत नहीं है, बच्चा बड़ा साइकिल की तरह आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, घर में इसको चार्ज कर सकते हो, तो लोकल कन्वीनियंस के लिए ये बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है और हम सबको इसको यूज़ करना चाहिए। दूसरा, एक पोल्यूशन,
हमारा दिल्ली NCR और स्पेशली गुड़गांव पीछे लिस्टिंग हुई थी तो उसमें सबसे पोल्यूटेड सिटी हमारा गुड़गांव था। तो इस गुड़गांव को पोल्यूशन फ्री बनाने के लिए हम सब रेजिडेंट को इस तरीके के जो इनिशिएटिव हैं वो लेने पड़ेंगे। हमें इलेक्ट्रिक पे भी मूव होना पड़ेगा, हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन भी करनी पड़ेगी, हमें इस तरीके की चीज़ें जो पोल्यूशन फैलाती हैं उसके बारे में लोगों को अवेयर भी करना पड़ेगा। तो ये जो आप लोगों ने शुरुआत करी है ये बहुत ही अच्छा है इस एरिया के लिए, यहाँ पे कोई इस तरीके का पहले था नहीं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा आबादी रहती है, हमारे डेवलप्ड सेक्टर्स भी हैं, हमारी कॉलोनियाँ भी हैं, हमारे गांव भी हैं, तो लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी इस चीज़ को करने के लिए। तो विनय जी को मैं स्पेशली थैंक कहता हूँ कि ये इस प्रोडक्ट को और यहाँ पे इन्होंने लॉन्च करा है, तो और इस मतलब यहाँ के लोगों को भी कन्वीनियंस होगा और एनवायरनमेंट की सेफ्टी तो है ही है। जी विनय जी, आज शोरूम खोला है, क्या कहना चाहेंगे, क्या किसी का आपको लगता है कि अच्छी बात हो? हाँ जरूर। सो मैं सबसे पहले माता जी और बाकी सनी जी को धन्यवाद कहना चाहूँगा कि इन्होंने हमें कीमती वक्त दिया, और बस ये चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि अपने वातावरण शुद्ध रहे और लोग इससे ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हों और इलेक्ट्रिकल स्कूटी पे जाएं ताकि वातावरण को शुद्ध रखें और अपने कंट्री की गोद को भी इस नज़र पे ध्यान रखें। आ जाओ जी, अंदर आ जाइए। क्या होता है कि हमारा 50 और 60 की माइलेज देगी लेकिन उसमें 6 से 7 घंटे या फिर रात को चला दिया लोकल हम घूम रहे हैं 25-30 किलोमीटर, ये तो जरूरी है, ये तो समझे। आइडिया पूरी आई, लगता है कि किसी चीज़ में